एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट करके यूट्यूब पर वायरल होने के लिए योर स्मार्टफोन इज मोर देन इनफ। जब से स्टेप ग्रो डिकॉर्डिंग वाईटी जैसे चैनल्स यूट्यूब पर आए हैं, देन उनकी एडिटिंग देखकर मुझे हजारों कमेंट्स आ चुके हैं। वेल पीपल से कि उन्हें यकीन नहीं होता कि ये लोग अपनी वीडियोस मोबाइल से एडिट करते हैं। वेल, मुझे भी नहीं पता कि ये लोग अपनी वीडियोस मोबाइल से एडिट करते हैं या फिर पीसी से, बट इस वीडियो में मैं ये एडवांस टेक्निक आपको भी सिखाने वाला हूँ। आई टेल यू कि अपने चैनल नेम का ऐसा मोशन बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करें, वीडियो में ऐसा कूल प्रोग्रेस बार कैसे लगाएं, नंबर काउंटिंग वाले कूल एनिमेशन कैसे बनाएं, किसी भी स्क्रीनशॉट या आर्टिकल के वर्ड के कलर को चेंज कैसे करें, एंड और भी बहुत कुछ सीखेंगे इस एक वीडियो में। आप इन सारी टेक्निक को किसी भी एडिटिंग ऐप में अप्लाई कर सकते हो, जैसे एलाइट मोशन, कैप कट, इन शॉट, काइन मास्टर, वी एन एडिटर। लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ट्राई करूंगा मेरा गो टू वीडियो एडिटर, दैट इज इनशॉट। सो लेट्स बिगिन। आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले हम की फ्रेम यूज करना सीखें, बिकॉज इस ट्यूटोरियल में आगे ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स कवर्ड हैं जिनमें की फ्रेमिंग का यूज होगा। आप किसी की भी वीडियो में एनिमेशन देखते हो, जैसे किसी भी एलिमेंट का स्क्रीन के अंदर आना, बाहर जाना, किसी टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा होना, या ग्रेजुअली स्क्रीन से गायब हो जाना, बोले तो फेड आउट हो जाना, दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ की फ्रेमिंग। अगर आप की फ्रेम्स को यूज करना सीख जाते हो, देन योर एडिटिंग बिकम 10 टाइम्स बेटर देन पीपल हु डोंट यूज इट। सो लेट्स लर्न अबाउट इट। तो व्हाट इज की फ्रेमिंग? बेसिकली यह एक टूल है जिसकी हेल्प से आप वीडियो में किसी भी चीज के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो और उन दोनों पॉइंट्स के बीच एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पर एक पीआईपी इंपोर्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर अब आप देख सकते हो एक इन्वर्टेड ट्राइंगल वाला ऑप्शन दिख रहा है। इसी की हेल्प से हम की फ्रेम्स को ऐड और रिमूव करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर अपना पहला की फ्रेम ऐड कर देता हूँ, लाइक दिस। यह हो जाएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन में कुछ सेकंड्स आगे बढ़ जाऊंगा और यहाँ पर दूसरा की फ्रेम ऐड करके इस पीआईपी को जूम कर दूंगा। यह हो जाएगा इसका एंडिंग पॉइंट। एंड नाउ इफ आई प्ले द वीडियो, यू कैन सी हमारे पीआईपी में एक जूमिंग इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, अब एक और पीआईपी इंपोर्ट कर लेते हैं, लेट टेक दिस वन। इसे मैं स्क्रीन के लेफ्ट साइड प्लेस कर दूंगा और यहाँ पर ऐड कर दूंगा इसका पहला की फ्रेम। यह हो जाएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन में कुछ सेकंड्स आगे बढ़ जाऊंगा और यहाँ पर ऐड करूंगा इसका दूसरा की फ्रेम और इस पीआईपी को उठाकर स्क्रीन के राइट साइड प्लेस कर दूंगा। यह हो जाएगा इसका एंडिंग पॉइंट। एंड नाउ इफ आई प्ले दिस, यू कैन सी हमारे पीआईपी में एक लेफ्ट टू राइट एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। सो अभी तक हमने इस वीडियो में दो ही प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट किया है, दैट इज पोजीशन एंड साइज। बट ऑफ कोर्स जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ भी हम खेल मचा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओपेसिटी। सो अभी यू कैन सी मैं सेकंड की फ्रेम में हूँ और यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी को जीरो कर दूंगा। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले की फ्रेम में इसकी ओपेसिटी 100 है। सो अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच एक नई फेड आउट एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। सो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि की फ्रेम्स को यूज कैसे करते हैं। आगे जब हम और भी एडवांस टेक्निक देखेंगे तो यू विल नो कि ये कितना पावरफुल टूल है। ऑफ कोर्स नॉट ओनली पीआईपी बट टेक्स्ट, स्टिकर्स या फिर जो मेन फुटेजेस हैं, उसमें भी आप की फ्रेम्स का यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक स्टॉक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, लेट टेक दिस वन, और अभी आप देख सकते हो इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं है। तो मैं इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाऊंगा और पहला की फ्रेम यहाँ पर एड करते हैं, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा की फ्रेम यहाँ पर ऐड करके इस पीआईपी को जूम कर दूंगा। यह हो जाएगा इसका एंडिंग पॉइंट। एंड नाउ इफ आई प्ले दिस, यू कैन सी हमारे वीडियो में एक जूमिंग इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अच्छा, लेट टेक अबाउट की फ्रेम इज प्रीसेट्स। अगर मैं अभी स्क्रीन पर एक पीआईपी ऐड करूं और इसमें एक सिंपल सा रैप टू राइट एनिमेशन क्रिएट करूं यूजिंग की फ्रेम्स, तो आप देख सकते हो ये बहुत ही कंस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ विच इट्स लुक अ लिटिल बोरिंग। तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यूज करेंगे की फ्रेम्स ईज का। इसके लिए दो की फ्रेम्स के बीच में आ जाओ, फिर यहाँ पर स्वाइप करोगे तो यू विल सी देयर इज अ फीचर कॉल्ड ईज, इस पर क्लिक करो।
Here you will find 9 built-in presets. इसकी हेल्प से आप keyframes के animation के movement को manipulate कर सकते हो और इसमें smoothness add कर सकते हो. Like currently यहाँ पर default preset select है, तो आप देख सकते हो कि PIP की movement बहुत ही simple and boring है. वहीं अगर मैं fourth preset को select कर दूँ, तो you can see it looks so much better. Of course जो बाकी की presets हैं, वो भी बहुत useful हैं and I use them in my video. So आपको खुद से देखना होगा कि एक particular animation के लिए कौन सा presets best रहेगा. हो क्योंकि हमने की फ्रेम्स को यूज करना सीख लिया है, नाउ इस टाइम कि हम उसकी हेल्प से और भी इंटरेस्टिंग चीजें क्रिएट करें. अब देखते हैं कि किसी भी आर्टिकल या स्क्रीनशॉट में वर्ड के कलर को हाईलाइट कैसे करें. नॉर्मली जैसे लोग टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, उसके कंपैरिजन में ये नया तरीका बहुत ही प्रोफेशनल लगता है. सो यार लेट्स लर्न दिस. इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक हाईलाइट स्ट्रिप जिसका यूज हम बार बार अपनी वीडियो में कर सकें. तो इनशॉट के फोटो एडिटर पर क्लिक करो, न्यू प्रोजेक्ट पर जाओ और एक ब्लैंक फाइल इंपोर्ट कर लो. देन क्लिक ऑन कैनवास एंड सिलेक्ट नो फ्रेम. उसके बाद क्लिक ऑन बैकग्राउंड और जिस भी कलर से आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर दो. फॉर एग्जाम्पल आई विल गो फॉर रेड एंड मैं इसे चेक कर दूंगा. इसके बाद हम क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसे ऊपर से नीचे क्रॉप कर देंगे ताकि हमें एक लंबी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मिल जाए. एंड देन इसे सेव कर दो. इसके बाद इनशॉट के वीडियो एडिटर में आ जाओ, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो और जो भी आर्टिकल या स्क्रीनशॉट है उसे इंपोर्ट कर लो. अब लेट्स से हमें स्क्रीनशॉट में इन तीन वर्ड्स को हाईलाइट करना है, तो टाइमलाइन में उस पॉइंट पर आ जाएंगे जहां से मैं हाईलाइट इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं. देन आई विल क्लिक ऑन पीआईपी, जो हाईलाइट स्ट्रिप हमने क्रिएट किया है उसे इंपोर्ट कर लेंगे. फिर इसके साइज को भी एडजस्ट कर देंगे एंड देन आई विल प्लेस इट ऑन द 3 वर्ड्स. अब आप देख सकते हो कि इस हाईलाइट स्ट्रिप ने बहुत ही अच्छे से इन तीनों वर्ड्स को कवर कर लिया है. तो मैं इस लेयर पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है ब्लेंड्स का, इस पर क्लिक करो. यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ब्लेंड्स मोड हैं. तो अगर आपके स्क्रीनशॉट में बैकग्राउंड ब्लैक है, देन इन दैट केस यू विल सिलेक्ट डार्क एंड यू कैन सी ये तीनों ही शब्द बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो चुके हैं. यू कैन सी इवन सिलेक्ट कि इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए. तो मैं इसे अभी के लिए फुल रखूंगा. वहीं अगर आपका बैकग्राउंड व्हाइट होता तो फिर यह वाला ब्लेंड मोड काम नहीं करता. इन दैट केस आपको सिलेक्ट करना होता लाइटन या फिर स्क्रीन एंड यू कैन सी टेक्स्ट बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो चुका है. नेक्स्ट स्टेप आई वांट टू टीच यू कि कैसे आप वीडियो में ऐसे कूल प्रोग्रेस बार ऐड कर सकते हैं. दिस इज फुल्ली कस्टमाइजेबल, मतलब आप इस बार का कलर एंड हाइट डिजाइन अपने पसंद का चूज कर सकते हो. लेट्स सी हाउ. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम एक वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं जिसमें प्रोग्रेस बार ऐड करना है. फिर हम टेक्स्ट पर जाएंगे और बहुत सारे स्पेसेस टाइप करना है. हमें ऐसा क्यों करना है ये आप बाद में समझ जाओगे. उसके बाद कलर व्हील वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, लेवल पर जाओ, फिर जिस भी कलर का प्रोग्रेस बार चाहिए उसे सिलेक्ट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई सिलेक्ट रेड एंड आई, इफ यू वॉन्ट आप इनग्रीडियंट्स में से भी कोई कलर चूज कर सकते हो लाइक दिस. फिर इसे चेक करके रिसाइज कर दूंगा स्क्रीन पर ताकि ये फुल स्क्रीन पे फिट हो जाए. अब ऑफ कोर्स प्रोग्रेस बार वीडियो के स्टार्ट से एंड तक रहता है, तो मैं इसे क्लिप के एंड तक एक्सटेंड कर दूंगा. फिर हम इस टेक्स्ट एलिमेंट को स्क्रीन के बॉटम में प्लेस कर देंगे सो इट्स लुक लाइक अ प्रोग्रेस बार. तो अब हमारा प्रोग्रेस बार बनकर रेडी है, इसमें सिर्फ एनिमेशन ऐड करना बाकी है. तो एनिमेशन के लिए क्लिप के सबसे एंड में चले जाओ और एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर दो, यह हो जाएगा इसका एंडिंग पॉइंट. फिर क्लिप के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ और एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर दो, यह हो जाएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट. और हम इस प्रोग्रेस बार को उठाकर स्क्रीन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आएंगे लाइक दिस. नाउ इफ आई प्ले दिस यू कैन सी हमारा प्रोग्रेस बार एनिमेशन रेडी है. अब एक स्टेप आगे जाने के लिए हम इसमें एक हेड ऐड करेंगे. वह कोई इमोजी हो सकता है, कोई स्टिकर हो सकता है या फिर आपके चैनल का लोगो भी हो सकता है, एज फॉर योर विश. तो इसके लिए क्लिप के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ और स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने गैलरी का कोई भी स्टिकर इम्पोर्ट कर सकते हो तो यूज एज हेड ऑफ द प्रोग्रेस बार. तो अभी मैं इनशॉट का एक बिल्ट इन स्टिकर ऐड करने वाला हूँ विच इज दिस वन. इसके साइज को छोटा कर देंगे
एंड देन विल प्लेस एट नेक्स्ट टू द प्रोग्रेस बार। मेक श्योर कि इसको भी क्लिप के एंड तक एक्सटेंड कर दो लाइक दिस। एंड नाउ आई एम श्योर कि अब आप समझ गए होंगे कि आगे क्या करना है। पहला की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर दो, फिर क्लिप के बिल्कुल एंड में चले जाओ और यहाँ पर ऐड कर देंगे दूसरा की फ्रेम। फिर इस स्टिकर को उठा के क्लिप के एंड में प्लेस कर दूंगा, यह हो जाएगा इसका एंडिंग पॉइंट। एंड नाउ इफ आई प्ले द वीडियो कि हमने एक बहुत ही सुंदर सा कूल प्रोग्रेस बार क्रिएट कर लिया है। तो यार नॉर्मल मोशन बैकग्राउंड तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन जरा इसे देखो, इट्स कूल राइट। ऐसा मोशन बैकग्राउंड आप अपने चैनल नेम के लिए भी बना सकते हो एंड जस्ट अ फ्यू मिनट्स, एंड अपने हर वीडियो में यूज भी कर सकते हो। लेट्स सी हाउ। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक ब्लैंक फाइल इंपोर्ट कर लिया है और इसके ड्यूरेशन को मैं 60 सेकंड्स कर दूंगा, बिकॉज मैं एक मिनट का मोशन बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहता हूं, जिसे मैं बार बार अपनी वीडियो में यूज कर सकूं। फिर गो टू टेक्स्ट एंड जिस भी वर्ड का एनिमेशन हमें क्रिएट करना है उसे 3-4 बार टाइप करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आई विल राइट सरकारी मोड, और सेपरेट करने के लिए मैं यूज करूंगा इस बुलेट सिंबल का। देन आई अगेन राइट सरकारी मोड, फिर बुलेट सिंबल, सरकारी मोड, वन लास्ट टाइम। बुलेट एंड स्पेस। इसके बाद इस कलर व्हील वाले ऑप्शन पर जाओ और ओपेसिटी को 25 कर दो। फिर यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है उस पर क्लिक करो और इस टेक्स्ट बेंडिंग को 100 कर दो। देन आई विल चेक दिस। फिर इस टेक्स्ट को रिसाइज करके फुल स्क्रीन पे फिट कर देंगे। अब जो आगे के स्टेप हैं वे शायद आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगें, सो जस्ट फॉलो मी। सबसे पहले मैं टेक्स्ट की लेयर को वीडियो के एंड तक एक्सटेंड कर दूंगा और इसके स्टार्टिंग में जाके एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, यह हो जाएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट। फिर हम वीडियो के बिल्कुल एंड में आ जाएंगे एंड एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस पॉइंट में मैं इस टेक्स्ट एलिमेंट को 180 डिग्री रोटेट करने वाला हूँ। लाइक दिस, और इसे फिर से फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देंगे। तो अभी मैं इसे शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ। यू कैन सी कि टेक्स्ट में एक बहुत ही अच्छा सा मोशन इफेक्ट ऐड हो चुका है। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज चेक कर लेना कि फर्स्ट की फ्रेम में जो टेक्स्ट का साइज है लास्ट की फ्रेम में भी वही एडजस्ट सेम साइज होना चाहिए। लाइक अभी अगर आप देखो तो फर्स्ट की फ्रेम में टेक्स्ट का साइज 28 है, तो लास्ट वाले में भी 28 होना चाहिए। यू कैन सी यहाँ पर 26 है, तो मैं इसे इंक्रीज करके 28 कर दूंगा। नाउ इज परफेक्ट। नाउ अब आगे का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इस टेक्स्ट लेयर को कॉपी करेंगे एंड इसे रिसाइज करके हम छोटा कर देंगे लाइक दिस। फिर एडिट पर जाके देख लेते हैं कि इसका साइज कितना है। एज यू कैन सी इसका साइज अभी 18 है, तो लास्ट वाले में भी इसका साइज 18 कर दूंगा। फिर से सेम चीज फॉलो करेंगे, टेक्स्ट लेयर को कॉपी करो और इसे रिसाइज करके छोटा कर दो। देन गो टू एडिट और इसका साइज देख लो कितना है। यहाँ पर इसका साइज 10 है, तो लास्ट वाले की फ्रेम में भी इसका साइज 10 कर देना। देन आई विल रिपीट द सेम प्रोसेस जब तक कि पूरा स्क्रीन भर नहीं जाता।
एंड देयर वी गो, हमारा मोशन बैकग्राउंड बनकर रेडी है।